जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, जो शुक्र देवता अभी तक यानी 25 अप्रैल 2024 बृहस्पतिवार के दिन 12:07 सुबह की पर मीन राशि में विचरण कर रहे थे, अब वो अगले ही क्षण मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये शुक्र देवता जो हमारे जीवन में भोग और विलास के देवता हैं, हमारे धन धान्य के देवता हैं, हमारी खूबसूरती के देवता हैं, हमारी मर्दानगी के देवता हैं, वो शुक्र देवता मेष राशि यानी दुश्मन के घर में। मेष तो उनके दुश्मन है, मंगल देवता की राशि है मेष राशि और मंगल देवता उनके दुश्मन है, तो दुश्मन के घर में जब प्रवेश करेंगे तो उनका मेष राशि में प्रवेश करना हम सबके जीवन में यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि या एरीज जोडियाक साइन से लेकर पाइसेस जोडियाक साइन वाले लोगों के जीवन में किस प्रकार से अपना प्रभाव डालेगा, उस बात की चर्चा करने के लिए आज मैं गुरु रजनीश ऋषि स्वामी राज ऋषि के साथ शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में उपस्थित हुआ हूं। मैं उन सभी व्यक्तियों को जिनका आज जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है, जिन लोगों का जीवन में आज कोई विशेष दिन है, उन सभी लोगों को अपने शनि पीठ मंदिर की तरफ से, भगवान शनि देव की तरफ से, स्वामी राज ऋषि की तरफ से और स्वयं मैं गुरु रजनीश ऋषि अपनी तरफ से आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की मंगल कामना करते हुए अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करता हूं। अब ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है शुक्र देवता का, उस समय आसमान में क्या ग्रहों की स्थिति थी, मैं उसकी चर्चा आपसे करूंगा। उस समय धनु राशि आसमान में उदय हो रही थी, शनि देव जी कुंभ राशि में विराजमान थे, राहु मंगल एवं बुध ग्रह मीन राशि में विराजमान थे, बृहस्पति सूर्य और अब शुक्र देवता भी वहां पर जाकर विराजमान हो गए, केतु महाराज कन्या राशि में विराजमान है और चंद्र महाराज चंद्र ग्रह तुला राशि में विराजमान है। यहां पर बुध ग्रह अस्त है, मंगल और बृहस्पति के बीच में राशि परिवर्तन ही हो रहा है आपस में, वो एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं तो वो वापस एक दूसरे के घर में आ जाएंगे। और इसके साथ ही ये लगन पुष्करांश की लगन है, चंद्र देवता पुष्करांश के हैं, मंगल देवता पुष्करांश के हैं, बृहस्पति देवता भी पुष्करांश की स्थिति में यहां पर विराजमान है। तो ये तो है आसमान की ग्रहों की स्थिति। अब क्योंकि उस समय विशेष पर जिस समय ये राशि परिवर्तन हो रहा था आसमान में धनु राशि विराजमान थी, तो आज मैं अपनी जो चर्चा प्रारंभ करूंगा वो धनु राशि यानी सेगिटेरियस जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों के साथ ही प्रारंभ करूंगा। अब देखिए सेगिटेरियस यानी धनु राशि वालों, ये जो राशि परिवर्तन हुआ है आपकी ग्रह स्थिति में, वो राशि परिवर्तन हुआ है आपकी स्टडी के खाने में, शिक्षा के खाने में, आपकी संतान के खाने में, आपके प्रेम के खाने में। अब इन जगह पर तो वो प्रभावित करेगा ही। तो यहां पर शुक्र का सूर्य के साथ आना निश्चित रूप से शुक्र को और अधिक कमजोर बनाएगा। बृहस्पति और सूर्य यहां पर पहले से ही विराजमान है, तो जिन लोगों को संतान होने की संभावना है उनको पुत्र संतान होने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन इस ग्रह गोचर के परिणाम स्वरूप स्त्री संतान भी हो सकती है शुक्र के कमजोर होने के बावजूद भी। दूसरा, जो लोग प्रेम प्रसंगों में, तो वो अपने प्रेम के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, उनके जीवन रंगीन बना हुआ है इस समय पर,
बृहस्पति देवता का आशीर्वाद है, सूर्य देवता का आशीर्वाद है और शुक्र देवता भी अपना आशीर्वाद देने पहुंच गए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ विशेष आपके जीवन में प्रेम प्रसंगों को लेकर होने की संभावना बनी हुई है, जो आपके फेवर में भी हो सकता है। गुस्से को कंट्रोल में रखें, वरना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। और जो लोग एजुकेशन में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको लाभ की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ अच्छा कर रहे हैं उनसे उनको उन्नति और तरक्की के अवसर अवश्य ही प्राप्त होंगे। वो अपनी मेहनत से लगे रहें, सरकारी नौकरी प्राप्त होने की संभावना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही जो लोग अपनी जन्म कुंडली के खराब ग्रहों के फलस्वरूप मेरे द्वारा जो बताई जा रही हैं बातें वो उनके जीवन में नहीं हो रही हैं और उनके ग्रहों की वजह से उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों को मैं सलाह दूंगा, वो बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे संपर्क करें और अपनी वीडियो कॉल की अपॉइंटमेंट या पर्सनली मिलने की अपॉइंटमेंट, फेस टू फेस वन टू वन अपॉइंटमेंट बुक कराएं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय जो साल में एक बार करने होते हैं या तीन साल में एक बार करने होते हैं, उन उपायों के माध्यम से अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा करना प्रारंभ करें। मेरा नाम कपिल देव है, मैं दिल्ली के दशमपुरी एरिया से आया हूँ। मैं यहाँ गुरुजी से आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। गुरुजी ने मुझे ये भावजबंध दिया था जिससे मुझे व्यापार में लाभ हुआ है, जिसके कारण मैं गुरुजी के पास दोबारा आया हूँ। अगर आप में शिक्षा को समस्या हो तो गुरु रजनीश ऋषि गुरु राज ऋषि जी से स्वयं मिले, आपकी परेशानियों का हल मिलेगा। जय शनिदेव। साथ ही साथ मैं उन सभी लोगों की बात कर रहा हूँ जो शादी योग्य हो गए या उनके परिवार में कोई लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो शादी योग्य हो गए। उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इस बात के लिए कि आप शादी योग्य हो गए, हमारे शनिपीठ मंदिर की तरफ से एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। उसका नाम है www.marriagebiodata.app। ये हमारे शनि मंदिर की अपनी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना एक खूबसूरत सा जो बायोडेटा है, जिसे मतलब दूसरे रिश्ते वालों के घर भेजा जाता है, उनको बताया जाता है हम ये सब कुछ हैं और हमें ऐसी लड़की चाहिए, इस प्रकार का एक बायोडेटा आप बहुत खूबसूरत डिजाइन पर बना सकते हैं, जिससे कि आपको मन मुताबिक एक अच्छी जीवन साथी की प्राप्ति हो और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। साथ ही साथ क्योंकि हमारी शनि मंदिर की वेबसाइट है तो भगवान शनि देव का आशीर्वाद तो स्वतः ही आपके साथ जुड़ जाएगा। जय शनिदेव।